हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित कर विकास के नए आयाम पैदा करने के मकसद से जहां 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं इसके आयोजन को लेकर बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित कर विकास के नए आयाम पैदा करने के मकसद से जहां 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं इसके आयोजन को लेकर बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। वहीं प्रदेश के कृषि जनजातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मार्कंडे ने इन्वेस्टर मीट को सीएम जयराम ठाकुर का ऐतिहासिक कदम बताते हुए 85,000 करोड़ रुपए के MOU साइन होने की बात कही है। वहीं रामलाल मार्कंडे का कहना है कि इन्वेस्टर मीट से जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, तो साथ ही 8 नवंबर को समापन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं रामलाल मार्कंडे ने इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेसी नेताओं के फिजूल खर्चे के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेसी पार्टी को नीति विहीन और योजना विहीन पार्टी होने का आरोप लगाया, तो साथ ही कांग्रेसी नेताओं को इन्वेस्टर मीट से ज्यादा अपने पार्टी पर ध्यान देने की नसीहत दी है। वहीं रामलाल मार्कंडे ने कांग्रेसी नेताओं के बयानबाजी पर चुटकी लेते हुए इसे पच्छाद और धर्मशाला सीट पर उपचुनाव में मिली हार के चलते बोकलाहट करार दिया है। ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने लिया है। 85,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हो चुका है और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो 7 और 8 तारीख को जो धर्मशाला में होने जा रहा है उसमें भारत वर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जा रहे हैं, जो ओपनिंग में वो आएंगे और क्लोजिंग में भारत वर्ष के गृह मंत्री अमित शाह जी पहुँचने वाले हैं और 4 पर मंत्री पहुँचने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो है इस ग्लोबल मीट के माध्यम से इन्वेस्टर मीट के माध्यम से हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो समस्या बेरोजगारी की है ये निश्चित तौर पर दूर होगा और विकास यहाँ पर विकास के आयाम बढ़ेंगे और हर तरह के जो भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, चाहे जो बेरोजगार की बात करें, हर तरह का विकास यहाँ होने वाला है और आने वाले समय में जो है हिमाचल प्रदेश में विकास के काम शुरू। कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास ना नीति ना कोई योजना नहीं, प्लानिंग नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के अंदर जो एक जो है इलेक्शन अभी हुआ है, हर आ रहे हुए बुखलाए हुए नेता है, उनके पास कोई योजना नहीं है, उस अपनी बातों को छुपाने के लिए जो है इस तरह के अनावश्यक बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पार्टी को ध्यान दे, उन्हें मालूम नहीं कि इंडस्ट्री मीट क्या है, बुखलाए बुखलाट में ही है, बुखलाए वो इसलिए इस तरह अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं।